आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले में से सबसे कम उम्र क्रांतिकारियों में से एक थे खुदीराम बोस, और 20वीं सदी के शुरुआत में ही शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में से सबसे पहले थे खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 को वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपने जीवन देश के आज़ादी के लिए निछावर कर दिया। जब खुदीराम बोस शहीद हुए तब उनका उम्र सिर्फ 19 था। ये साहसिक योगदान को अमर करने के लिए कई देशभक्त आज भी उनका शहीद दिवस को मना रहे हैं। और आज यानी 11 अगस्त 2020 को अगरतला के मेलरमठ छात्र युवा भवन पर SFI के उद्योग से शहीद दिवस मनाया गया खुदीराम बोस का। खुदीराम के इस बलिदान के बारे में कुछ शब्द कहा SFI के राज्य संपादक संदीपन देव ने। বসুর 113তম শহীদান দিবস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ বীর শহীদ খুদিরাম বসু খুব সম্ভবত 18 বছর 8 মাস 11 দিনে যখন ওনার বয়স, তখন ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে খুদিরাম বসুকে ফাঁসির কাস্টে ঝোলানো হয়েছিল। এদেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানোর জন্যে, ব্রিটিশদের যে শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ভারতবাসীর উপর, তা বন্ধ করার জন্যে দেশব্যাপী যে বিপ্লবী আন্দোলন, সেই বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক খুদিরাম বসু। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ সুইজারল্যান্ড।